हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द चैप्टर रे ऑप्टिक्स, है ना। सो लेंसेज का क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना, ठीक है। और हमें ये R1 R2 दे दिया 20 सेंटीमीटर, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ का 1.6, और बाहर हम पकड़ लेते हैं 1, ठीक है। सो हमें फाइनली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे पी इक्विवेलेंट का, है ना। पी का फॉर्मूला, या एफ का भी लगा सकते हो, ठीक है। पी का लगा दिया मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू फाइनल माइनस म्यू आई अपॉन आर, ठीक है। सो जैसे यहां से रेज आ रहा है, मान लेते हैं, है ना, तो म्यू फाइनल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे म्यू कितना? 1.6, और यहाँ कितना था? 1। सो 1.6 माइनस 1, और इसका फोकल लेंथ कितना पकड़ सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। इसको नहीं भी कंसिडर किया तब भी चलेगा, क्योंकि ये और ये दोनों की वजह से आंसर आने वाला है 0, ठीक है। सिमिलरली फिर रे यहाँ पे गया, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, और यहाँ पे कितना? 1.6। सो 1.5 माइनस 1.6, एंड यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ, सॉरी, आर कितना हो जाएगा? आर आर विल बी +20, ठीक है ना। आर कितना हो जाएगा? +20, ठीक है। फिर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? फाइनल इज 1.6 और इनिशियल इज 1.5, और यहां का हमारा आर हो जाएगा -20, ठीक है। फिर फॉर दिस हमारा फाइनल हो जाएगा 1, और इनिशियल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.6, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इसका आर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इसके साथ, इस पूरे के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100, बिकॉज ये सारे के सारे जो हम आर ले रहे हैं, ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? 100 से डिवाइड करें, है ना। तो 100 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये दोनों 0, ये दोनों हटा दे, ये बचा 1.5 माइनस 1.6, 0.1 डिवाइडेड बाई 20। 0.1 मतलब 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 1/200, ठीक है ना। और ये माइनस 0.1 आएगा, तो इट विल बी माइनस 1/200। ये हो जाएगा ऊपर 0.1, और नीचे अगेन -20 सेम, तो ये भी हो जाएगा -1/200। ये दोनों को जोड़ दें, तो ये दोनों को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा -2/200, और मतलब बेसिकली बन जाएगा -1/100। 100 100 मल्टीप्लाई कर दे तो पावर आ गया, पावर इक्विवेलेंट आ गया -1, है ना। सो एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अगेन -1 मीटर, है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो -100 सेंटीमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन 2। थैंक यू।